शादी के अगले ही दिन पति ने पत्नी को खूब पीटा। तो लोगों ने पूछा, क्यों पीट रहे हो? तब तक पति बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज मिला रखा है और ये मुझे अपने वश में करना चाहती है, ये मुझे अपनी माँ से दूर करना चाहती है। तब तक बीवी बोली, ताबीज नहीं है, टी बैग है वो गंवार के। एक बार एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ा रही थी, तो बच्चों से सवाल किया कि ताजमहल कहाँ है, तो सारे बच्चों ने आंसर दिया आगरा में। तब तक मैडम ने बोला, गलत जवाब, गाजियाबाद में। सारे बच्चे एक दूसरे के मुंह में देखने लगे और कंफ्यूज हो गए, और उन्होंने यही बात जाके घर अपने पेरेंट्स को बताई। तो अगले ही दिन सारे पेरेंट्स हेडमास्टर के पास पहुंचे। तो हेडमास्टर बोलने लगा, आपको 6 महीने से बुला रहा हूँ, कोई भी आने को तैयार नहीं है, आपके 6 महीने से फीस जमा नहीं है, और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा ना। जब फोटो अच्छी होती है तो लोग इतनी जल्दी अपलोड करते हैं, चाहे साथ वाला एलियन ही क्यों ना लग रहा हो। हम हिंदी मीडियम वाले जब 2 2 4 बोलते हैं तो मन ही मन में 2 2 4 भी बोलते हैं, सही कहा ना? मैंने गूगल से पूछा, एक लड़की की जिंदगी में क्या क्या ख्वाहिशें होती हैं? आज 7वां दिन है, गूगल चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ लड़कियां मेकअप करती हैं और कुछ इतना कर लेती हैं, ऐसा लगता है रामलीला का पार्ट खेलने जा रही हूं। एक बार एक गुरु ने बच्चे से पूछा, कल्पना करो अगर कोई जहाज में हम बैठे हैं और वो डूब रहा हो तो हम कैसे बचेंगे? बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, हम कल्पना करना ही बंद कर देंगे तो हम बच जाएंगे।